हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस सेशन में। हम बात करने वाले हैं कांग्रेस सेशन जो कि हुआ है 19-20 दिसंबर, लोकेशन है नागपुर। तो ऐसी क्या खास बात है, क्यों ये सेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेशन माना जाता है, राइट? देखो, यहाँ पे कुछ बातें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ से चेंज इन फिलॉसफी है, राइट? कांग्रेस की फिलॉसफी यहाँ से बदल रही है। इनफैक्ट टेक्निकली कहा जाए तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान यहाँ से चेंज हो रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा बदलाव, तो ये देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ है, क्यों हुआ है 1920 के दिसंबर सेशन में। तो मैं अभिषेक श्रीवास्तव, हम सीनियर अकेडमिक एडवाइजर अटॉर्नी अकेडमी, ऑल्सो एक्स डायरेक्टर UPSC CSE। मैं पिछले 7 साल से पढ़ा रहा हूँ और आप मेरी प्रोफाइल पे हिस्ट्री, कल्चर, आंसर राइटिंग के सारे कोर्सेज देख सकते हैं। ये आप मेरी प्रोफाइल पे जाएंगे तो ये सारे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज आपको मिलेंगे विद PDF, विद टाइमलाइन, विद माइंड मैप्स, राइट? तो ये काफ़ी आसान कर देगा आपके लिए हिस्ट्री और कल्चर। तो अगर आप अब तक अगर आप अनअकैडमी पर नहीं है तो आप ये कोड इस्तेमाल करें TT100 और अनअकैडमी ज्वाइन करें, आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। आप मुझसे इस टेलीग्राम चैनल पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो थोड़ा सा टेक्निकली टफ है, तो आपके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आपको ये चैनल मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे PDF और अपडेट सारी चीज़ें आ जाएंगी। ओके, तो कांग्रेस सेशन 1920 का दिसंबर में, लोकेशन है नागपुर और प्रेसिडेंट है CVijayaraghavacharyar। अब इसके बैकग्राउंड में अगर आप समझो तो बैकग्राउंड में ऑलरेडी एक सेशन हो चुका है 1920 सितंबर, जहां पे ये डिसाइड हुआ है कि हम नॉन कोऑपरेशन प्लस खिलाफत को सपोर्ट कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। तो नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत को सपोर्ट किया जा रहा है, ये मूवमेंट ऑलरेडी 1 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। तो बैकग्राउंड में ऑलरेडी ये चीज़ हो चुकी है, तो CR दास उसको अप्रूवल के लिए यहाँ पे दोबारा एक रेजोल्यूशन पास करेंगे विच इज़ अबाउट सपोर्टिंग और एंडोर्सिंग दिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो ये सितंबर का जो सेशन है, ये सितंबर का जो नॉन कोऑपरेशन का डिसीजन है, ये भी यहीं पे एंडोर्स होने वाला है, यहीं पे अप्रूव होने वाला है। ओके, तो CVijayaraghavacharyar हैं, वो खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस उस नॉन कोऑपरेशन, नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला है कि हाँ, वो मूवमेंट, वो जो हमारा पहले जो फैसला है सितंबर वाला, वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर डिस्कशन में दो बातें हैं, एक कंस्ट्रक्टिव आस्पेक्ट और डिस्ट्रक्टिव आस्पेक्ट, थोड़ी देर में देखते हैं। और यहीं से गांधी जी सोल लीडर उभर के आएंगे, कांग्रेस विल ऑल्सो रियलाइज एंड एवरीबडी विल रियलाइज कि गांधी इज़ द सोल लीडर, गांधी इज़ द मेन लीडर ऑफ द होल मूवमेंट। क्यों? क्योंकि गांधी जी कामयाब हो गए हैं यहाँ पे, दो कम्युनिटीज़ को, हिंदू और मुस्लिम दोनों ही कम्युनिटीज़ को साथ में लाने में, राइट? तो जो है वो खिलाफत इशू के ऊपर उन्होंने एक अच्छा, यू कैन से, पॉलिटिकल मूव बनाया है जो कि हमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट में देखने को मिलेगा। ओके, दूसरी चीज़ हमें समझ में आ रही है कि जो मैंने बात कही फिलॉसफी की, तो नया संविधान बन रहा है कांग्रेस का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि नाउ दिस इज़ न्यू फिलॉसफी। तो जो पुरानी बातें हैं वो यहाँ पे कहीं साइडलाइन हो जाएंगी, एक न्यू फिलॉसफी हमको देखने को मिलेगी। आइए देखते हैं किस तरीके से। तो सबसे पहली बात, कांग्रेस की एक कमेटी बनेगी फॉर स्टार्टिंग फ्रॉम मोहल्ला टू प्रोविंस। इसका मतलब कहीं ग्रास रूट पेनिट्रेशन की बात चल रही है, ग्रास रूट पेनिट्रेशन होगा हर प्रोविंस में जो है आपकी मोहल्ला लेवल तक आपको मूवमेंट नज़र आएगा, पेनिट्रेशन नज़र आएगा, राइट? आप जुड़ पाएंगे कांग्रेस से। दूसरा, एक ऑल इंडिया कमिटी बन रही है, एपेक्स कमिटी बन रही है विच इज़ ऑफ 350 मेंबर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि लेट से एक प्रोविंस में एक कमिटी है P1, दूसरी प्रोविंशियल कमिटी है P2, P3 समथिंग, इन सब के ऊपर एक एपेक्स बॉडी है ऑल इंडिया विच इज़ लाइक जनरल असेंबली, 350 लोगों की जनरल असेंबली है ना, जो कि बिहेव करेगी, वोट वगैरह लेगी, डिसाइड करेगी, है ना। तो मेजर डिसीजन जो होंगे वो ये बॉडी यहाँ पर लेगी। इसके अलावा एक वर्किंग कमेटी बनाई जा रही है 15 मेंबर्स की। इसका मतलब क्या हुआ, क्या 350 लोग सारा काम अकेले करेंगे, क्या 350 लोग बैठ के काम कर सकते हैं, है ना? मुश्किल होगा 350 लोगों को इकट्ठा करना, सारा छोटा मोटा काम कराना पॉसिबल नहीं है। तो एक मोबाइल सी कमेटी बनाई जा रही है 15 मेंबर्स की विच विल बी वर्किंग कमेटी, जिसको आप एग्जीक्यूटिव कमेटी भी कह सकते हैं, ताकि चीज़ों को आसानी से एग्जीक्यूट कराया सके। तो अगर तुम देखो तो यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रक्चर क्रिएट करा जा रहा है ताकि काम करना काफ़ी आसान हो सके। प्लस हमने देखा कि ये प्रोविंसेस जो हैं, प्रोविंसेस में मोहल्ले लेवल तक ये प्रोविंशियल कमिटीज़ जो है, प्रोविंशियल बॉडीज पेनिट्रेट कर रही हैं, विच शोज़ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ पाएंगे। दूसरी बात, ये जो प्रोविंशियल कमिटीज़ बन रही हैं, ये कमिटीज़ बनाई जा रही हैं लिंग्विस्टिक लाइन पे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की फिलॉसफी में अभी लिंग्विस्टिक फ्रैगमेंटेशन एक्सेप्टेड है कि हाँ, इस तरीके से हम बांट सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम देखें तो हिंदी का ये उपयोग यहाँ पे एज़ फार एज़ पॉसिबल सजेस्ट किया गया है।
और मेंबरशिप में महिला और पुरुष दोनों ही इसको ज्वाइन कर सकते हैं, 21 साल कम से कम एलिजिबिलिटी, और फीस बहुत कम रखी गई है, मात्र 4 आना फीस। क्यों? ताकि फिर इस प्रोविंसेस में अगर मात्र 4 आना फीस है तो जो मेंबरशिप होगी वो कहीं ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ मेंबर बहुत बढ़ेंगे, राइट? हम देखेंगे ये नंबर कहीं रीच कर रहा है 50 लाख एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो अच्छा खासा आप कह सकते हैं कि कांग्रेस की मेंबरशिप हमको देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी बात करते हैं यहाँ पे, जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है, पहले जो माहौल था, पहले जो गोल था, तो पहले गोल हुआ करता था अटेनमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल मींस, राइट? कि सेल्फ गवर्नमेंट अचीव करना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से, लीगल मेथड से, लेकिन अब जो है पूरा माहौल बदल गया, ये कह रहे हैं अटेनमेंट ऑफ स्वराज, स्वराज की बात हो रही है कि हाँ सेल्फ गवर्नमेंट की जगह उन्होंने लिख दिया स्वराज। क्या मतलब हुआ बताता हूँ। दूसरा, इन्होंने कहा मेथड क्या होगा, तो पहले मेथड की बात करते हैं, तो मेथड कहते हैं कि बाय पीसफुल एंड लेजिटिमेट मींस, इसका मतलब ये हुआ कि मेथड शांतिप्रिय होगा, नॉन वायलेंट होगा, वादा रहा, राइट? लेजिटिमेट होगा, जायज होगा, राइट? हमें लगता है कि लेजिटिमेट है, हमें लगता है कि ये मेथड सही है, करेक्ट है, बट वो कॉन्स्टिट्यूशनल होगा कि नहीं, वो लीगल होगा नहीं, ऐसा कोई वादा नहीं। समझ में आ रही बात है ना, कि कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है भाई, नॉ कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है कि हम सिविल डिसोबीडियंस करें और सिविल डिसोबीडियंस में हम कानून तोड़ दें, तो फिर वो लीगल होगा ना, ये भी कोई वादा नहीं रहा। तो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल का कोई वादा नहीं है, खाली वादा है कि पीसफुल होगा और लेजिटिमेट होगा। और क्या हम चाहते हैं? स्वराज चाहते हैं। स्वराज क्या है? स्वराज का मतलब सेल्फ गवर्नमेंट ही है, अगर विद इन द एम्पायर इफ पॉसिबल, सेल्फ गवर्नमेंट है सही बात है, विद इन द एम्पायर है इफ पॉसिबल, इसका मतलब कि अगर पॉसिबल नहीं हो पाया तो आउटसाइड इफ नेसेसरी। तो ये जो सेल्फ गवर्नमेंट है, नया स्वराज जो है, ये विद इन द एम्पायर भी हो सकता है, डैट मीन्स कि अगर पॉसिबल हुआ तो वी आर ओके विद डोमिनियन स्टेटस, नेगोशिएशन टैक्टिक्स है, राइट? कि वी आर ओके विद डोमिनियन स्टेटस, बट अगर पॉसिबल नहीं हुआ, राइट, अगर पॉसिबल नहीं हो पाया, देन इट कैन बी आउटसाइड, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, आज़ादी की बात हो रही है, कि हमें आज़ादी भी हम मांग सकते हैं अगर ये नहीं हो पाया। और गांधी जी कहते हैं कि इस मेथड द्वारा, इस तरीके द्वारा स्वराज जो है वो 1 साल में अचीव किया जा सकता है। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम की अगर हम बात करें, तो डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम का मतलब ये हो गया कि जो भी सरकार ने ऑनरेरी टाइटल्स वगैरह दे रखे हैं वो वापस कर देंगे हम, जो है कोई भी ऑफिशियल फंक्शन, नॉन ऑफिशियल फंक्शन अटेंड नहीं करेंगे, अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह से, गवर्नमेंट कॉलेजेस से निकाल देंगे, यानी बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेजेस। कहने का मतलब कि जो कुछ भी गवर्नमेंट है, जो कुछ भी सरकारी है, हम उसका क्या कर रहे हैं, हम बॉयकॉट कर रहे हैं, चाहे वो आपने हमें इज्जत दी हो, चाहे हमें नौकरी दी हो, चाहे आपने कोई इंस्टीट्यूट सेटअप करा हो, हर चीज़ के बॉयकॉट की बात हो रही है, राइट? तो लॉयर्स ही बॉयकॉट कर देंगे कोर्ट वगैरह को, देन जो है हम किसी भी फॉरेन सर्विस वगैरह में ना अपना आवेदन देंगे और ना ही सेलेक्ट होंगे, प्लस हम इलेक्शंस को भी बॉयकॉट कर देंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को भी बॉयकॉट करने की यहाँ पे बात हो रही है, प्लस बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, तो ये तो बिल्कुल बेसिक बात है कि इतना तो करेंगे ही करेंगे, ये तो हम स्वदेशी मूवमेंट से कह रहे हैं। अब आते हैं कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम पे। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में बात हो रही है कि जब ये सब बॉयकॉट कर देंगे तो उसका रिप्लेसमेंट भी चाहिए, राइट? तो अगर स्कूल छोड़ देगा बच्चा तो नेशनल स्कूल चाहिए, नेशनल कॉलेजेस चाहिए, राइट? अगर आप जो है अगर वहाँ कपड़े नहीं, फॉरेन कपड़े का बॉयकॉट कर रहे हैं, तो फिर स्वदेशी चाहिए, फिर चरखा चाहिए और खादी चाहिए ताकि स्वदेशी कपड़ा बनाया जा सके। आर्बिट्रेशन कोर्ट, क्योंकि कोर्ट का बॉयकॉट हो रहा है तो आर्बिट्रेशन के लिए बोर्ड बनाइए, ठीक है? और जो है प्लस वॉलंटियर कॉप्स बनाइए, ऐसे वॉलंटियर जो इस तरह की पॉलिटिकल ट्रेनिंग करें, इस तरह के काम को आगे बढ़ाएं। तो ये सारी बातें यहाँ पे हो रही है अंडर कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। एक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हो रही है विजयवाड़ा में 31 मार्च को, जो कि 2 और प्रोग्राम ऐड कर रही है। पहला है तिलक स्वराज फंड, जो कि फंड रेजर है, फंड इकट्ठा करना चाहते हैं और उसमें 1 करोड़ रुपये इकट्ठे हुए। दूसरा, 20 लाख चरखे बांटने की बात उठी है, क्योंकि चरखा एक महंगा इन्वेस्टमेंट है, तो गांधी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चरखा मिल सके, तो 20 लाख चरखे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने की बात उठी है। गांधी की हैड प्रॉमिस कि हाँ 1 साल में स्वराज मिल जाएगा अगर हमने ये सारी चीज़ें लागू कर दी तो। और वॉलंटियर कॉप्स जो हैं वही पुलिस की तरह भी बिहेव करेंगे, बिकॉज अब हम पुलिस का भी बॉयकॉट कर रहे हैं। तो हमने ये जाना यहाँ पे, हमने बस जाना कि बहुत सारे लीडर्स, फॉर एग्जांपल जिन्ना, एनी बेसेंट, जीएस खरपड़े, बीसी पाल, राइट, इवन सुनील नाथ बैनर्जी, काफ़ी लीडर्स कांग्रेस से अभी एग्जिट कर जाएंगे, बिकॉज ये जो नई पॉलिटिक्स है, जो कि जिसे आप कह सकते हो कि जो कि गांधीयन पॉलिटिक्स है,
राइट है ना, जो गांधीयन फिलॉसफी के ऊपर बेस्ड है, ये कहीं ना कहीं बियॉन्ड मॉडरेट पॉलिटिक्स है, कहीं ना कहीं बियॉन्ड एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स है, राइट। तो इसका एक्सेप्टेंस जो यू नो बाकी के लीडर्स थे, क्या हर कोई एक्सेप्ट करेगा? नहीं, इतना आसान जो है ये नहीं है। तो काफ़ी लोग यहाँ पे हमें एग्जिट करते हुए नज़र आएंगे। तो खैर, इस सेशन में इतनी बात करते हैं। तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि आप इस तरह के कोई भी वीडियो मिस ना करें, और जल्दी से जल्दी जो है ये बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें। प्लस PDF मिल जाएगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और ये जो है प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, राइट, ताकि वो लोग भी इस कंटेंट का फ़ायदा उठा सकें और आपको थैंक यू बोल सकें। तो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।